तो यार आपके फोन के लिए परफेक्ट सेंसिटिविटी क्या होगा जिससे बहुत जबरदस्त हेडशॉट लगे? अब नो स्किल सेंसी तुमने सुना ही होगा, नो स्किल सेंसी ही सेंसिटिविटी कहलाता है आपके फोन के लिए। अब गाइस देखो, नो स्किल सेंसी किसको किसको पता है, जिसको नहीं पता वो थोड़ी देर वीडियो देखो, आपको भी पता चल जाएगा और ये किस काम आता है वो भी पता चल जाएगा। अब जो बंदे ने बाय कर रखा था नो स्किल सेंसी, उनको पता होगा नो स्किल सेंसी क्या होता है। अब देखो, नो स्किल सेंसी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था YT5, अभी बहुत सारे बंदे ने उसको बाय भी करा था और यूज भी करा था। अभी जिसको यूज करने आ गया था वो तो बहुत ज्यादा हेडशॉट अच्छे से मार पा रहा था। अब यार जो बंदे बाय कर लिए थे उनके तो फायदा ही फायदा हो गया, अभी जो बंदे बाय नहीं किए थे यार उनको रगड़ के चले जा रहे, मतलब यार हेडशॉट पे चिपका ही दे रहे। क्योंकि जब भी CS स्टार्ट करो तो यार सामने अगर नो स्किल सेंसी लगा रखा है बंदे ने और अच्छे से उसने सेट कर रखा है सेंसिटिविटी, तो यार वो बहुत जबरदस्त तुमको हेड मार ही देगा। तुम अगर ड्रैग करने जाओगे उससे पहले वो तुमको हेड मार देगा। अब जिसके पास बहुत सारे पैसे थे उसने आराम से नो स्किल सेंसी बाय कर लिया, लेकिन तुमको मैं बोल रही फ्री में तुमको मिल जाएगा। अब तुम विश्वास ही नहीं करोगे कि नो स्किल सेंसी ये फ्री में कैसे दे सकता है, तो रुको जरा सबर कर लो, एक चीज आराम से मैं तुमको बता देता हूँ। देखो नो स्किल सेंसी का मतलब क्या है, एक लाइन में बोलूं तो ये होता है आपके फोन का सेंसिटिविटी, ठीक है। मैंने पिछले बार वाली वीडियो में इसको कवर कर रखा था, आपके फोन के लिए सेंसिटिविटी जो होता है उसी को नो स्किल सेंसी YT5 बोल रखा है, ठीक है। तो यार आपका फोन अगर 2GB है, 1GB, 3GB रैम वाला है या 4GB रैम वाला है या फिर कितना भी रैम वाला है, आपके फोन के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी क्या होगा ये मैं फ्री में तुमको बताने वाला हूं। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और इस वीडियो में हम लोग ओनली सेंसिटिविटी के ऊपर बात करने वाले, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे फ्री लुक का एक ऑप्शन आपको मिलेगा। अब ये वाला फ्री लुक कहाँ का काम आता है और किस लिए हमको यूज करना चाहिए वो मैं तुमको बता देता हूँ। तो सबसे पहले फ्री लुक तुमको यहाँ पे हेडशॉट मारने से कोई कनेक्शन इसका नहीं होता है, और फ्री लुक का काम ही होता है तुमको पीछे वाले बंदे को देखना, मतलब 360 डिग्री में तुम आराम से देख सकते हो। अब जैसे रन कर रहे हो तो तुमको सामने वाला ही सिर्फ जो भी ग्राउंड होती है वो तुमको दिखती है, लेकिन फ्री लुक अगर आप यूज करते हो ये बटन ऑन करते हो तो तुम 360 डिग्री आराम से देख सकते हो, पीछे जो बंदा आ रहा है या फिर राइट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, सभी तरफ तुम देख सकते हो। तो इसको तुमको यूज करना है कि नहीं, तो सिंपल सी बोलूं तो हां, इसको यूज करना चाहिए। इसको यूज करने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे यार तुम अगर पीछे बंदा आ रहा है तो तुम आराम से इसको देख के और तुरंत घूम के हेडशॉट मार सकते हो। तो इसको यूज करने के लिए ये बटन ऑन कर लो और सेंसिटिविटी आप 50-60 ऐसे रख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, 50-60-70 आराम से रख लो। अब चलते दूसरे सेंसिटिविटी की ओर। अभी देखो ये वाला सेंसिटिविटी ओनली तुमको स्नाइपर्स गन के लिए यूज होता है। अब देखो स्नाइपर गन कौन कौन से होते हैं, AWM, M82B, Kar-98, ये जितने भी गन होते हैं इसको स्नाइपर हम लोग बोलते हैं। अब स्नाइपर का सेंसिटिविटी से क्या लेना देना है, देखो जब भी तुम होल्ड टू फायर बटन क्लिक करोगे, होल्ड टू फायर या फिर ऐसे नॉर्मल स्कोप ऑन करोगे M82B या फिर जो भी स्नाइपर गन, तो उसमें तुमको देखो मूवमेंट करना होता है। अब मूवमेंट करोगे तभी तो आराम से हेड पे चिपका सकते हो ना, क्योंकि ये अदर गन जैसा वर्क नहीं करता। जैसे कि Scar-L का अगर स्कोप ऑन करते हो तो वहां पे तुम्हारा एम ऑटोमेटिक बॉडी पे चिपक जाता है, लेकिन स्नाइपर में ऐसा नहीं होता। तो अगर स्नाइपर का स्कोप ऑन करते हो तो तुमको एडजस्ट करना पड़ता है, अगर बंदा इधर उधर भाग रहा है तो तुमको थोड़ा सा स्कोप में भी मूवमेंट चाहिए होता है, तब अच्छे से तुम चिपका सकते हो, हेडशॉट मारो या फिर बॉडी शॉट जैसा भी मारो, ठीक है। तो वहां पे मूवमेंट की जरूरत होती है इन स्कोप में, तो इसको कहते हैं AWM का सेंसिटिविटी, यानी कि स्नाइपर का सेंसिटिविटी यहां से तुम सेट कर सकते हो। अब इसको कितना रखना है, अगर तुम एक्सपर्ट हो यानी कि डबल AWM फटाफट चला लेते हो तो तुमको इसको हाई पे रखना है, यानी 90 से अबव रखना है। और अगर तुम रेयरेस्ट अगर यूज करते हो स्नाइपर गन तो तुमको यहाँ पे 50-60 रखने है, उससे ज्यादा करोगे तो यार कंट्रोल ही नहीं होगा स्नाइपर गन। तो ये सेंसिटिविटी तुमको 50-60 ऐसे सेट कर लेने, अगर तुम नया अगर स्नाइपर चला रहे हो कभी कभी चलाते हो तो तुमको 50-60 सेलेक्ट कर लेने, और अगर तुम एक्सपर्ट बन जाते हो तो इससे बढ़ा सकते हो, ऊपर कर लेना 70-80-90 ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर शुरू में ही ज्यादा कर लोगे तो कंट्रोल नहीं होगा। अब गाइस यहाँ पे जितने भी आपको सेंसिटिविटी दिख रहे ये मेन सेंसिटिविटी होते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या कितना रखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोर स्कोप की बात कर लेते हैं, फोर स्कोप सेंसिटिविटी में कितना सेट करने, तो फोर स्कोप रैम के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। जैसे कि अगर तुम्हारे फोन की रैम 4GB, 8GB, 12GB, 6GB है तो आराम से तुम इसको फुल कर सकते हो, यानी कि 9200 रख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा डिवाइस 1GB, 2GB, 3GB रैम वाला है तो तुमको यहाँ पे 90 से नीचे सेट करना है। अब क्यों करना है ये भी जान लो। देखो
अगर तुम्हारा फोन 4GB, 8GB, 6GB वाला है, तुम्हारा सेंसिटिविटी बहुत हाई पहले से होता है। अब मैं हाई क्यों करने बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें लैग नहीं होता है फोन तुम्हारा। अब क्योंकि लैग नहीं होता तो आराम से मक्खन सा तुमको ड्रैग करने पे, इन स्कोप में भी ड्रैग करते हो तो आराम से बंदे को हेड चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है ओल्ड फोन में, यानी कि 1GB, 2GB, 3GB रैम वाले में। अब इस फोन में क्या होता है, जैसे देखो इसमें सेंसिटिविटी पहले से लो रहता है और गेम का सेंसिटिविटी हाई कर देते हो तो यहाँ पे आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लैग करेगा और तुम्हारा मक्खन सा हेडशॉट नहीं लगेगा, क्योंकि इन स्कोप में अगर ड्रैग करते हो तो सिस्टम लैग करेगा और तुम्हारा हेड तक पहुंचेगा ही नहीं है सही टाइम पे, ठीक है, और हेड नहीं लगेगा। तो इस वजह से तुमको 90 से नीचे रखना, यानी कि 80-90 रख सकते हो। अगर 1GB, 2GB रैम वाले हो तो 80-90 रख लो, और अगर 3GB वाले हो तो 95 तक रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मेन सेंसिटिविटी होता है हमारा रेड डॉट और जनरल, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टू स्कोप के बारे में। अब टू स्कोप ओनली CS रैंक में ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान से सुनना किस तरीके से सेट करने आपके फोन के अकॉर्डिंग। अब टू स्कोप में अगर आप CS रैंक खेलते हो या फिर BR रैंक खेलते हो, दोनों के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। अब देखो ज्यादा तुम अगर BR रैंक खेलते हो तो टू स्कोप मिलने का चांस ज्यादा आपको AR गन में ही तुम लगाओगे, क्योंकि यार शॉर्ट रेंज में अगर MP40 लेते हो तो उसमें तो स्कोप लगता नहीं है, और शॉर्ट गन से लेते हो तो टू स्कोप लगता नहीं है। स्पास में लगता है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा बंदे नहीं लेते। तो BR रैंक वाले के लिए क्या करना चाहिए, तो टू स्कोप में दो कंडीशन बनते हैं। BR रैंक के लिए अलग कंडीशन बनेगा और CS रैंक के लिए अलग बनेगा। तो BR रैंक अगर ज्यादा खेलते हो तो यहाँ पे तुमको ज्यादातर एनिमी लॉन्ग रेंज से ही फाइट लेंगे, और अगर लॉन्ग रेंज से लेते तो जो स्कोप खोलते हो तो बहुत ज्यादा कम वहां पे एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तुमको सेंसिटिविटी पर बहुत कंट्रोल रखना है, यानी कि थोड़ा कम कर लेना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर गेम में तुम कम ज्यादा करो, कम ज्यादा करोगे तो प्रॉब्लम होगा। अब देखो ज्यादा BR रैंक ही अगर खेलते हो तो तुमको परफेक्ट वाला सेंसिटिविटी मैं बता देता हूँ। अगर 4GB, 6GB, 8GB रैम वाला फोन है तो तुमको सेंसिटिविटी सेट कर 90 से लेकर 95 तक रख सकते हो। ये मैं सिर्फ BR वाले बंदे के लिए बता रहा हूँ। अगर टू स्कोप मिल जाता है तो ये वाला सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट काम करने वाला है। और अगर तुम्हारा रैम 1GB, 2GB, 3GB है तो आराम से तुम 90 से नीचे ही कर लो, यानी कि 75 से लेकर 85 तक रख सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं CS रैंक के बारे में। जो भी बंदे बहुत ज्यादा CS रैंक खेलते हैं उनके लिए टू स्कोप बहुत मैटर करता है, टू स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुमको टू स्कोप के लिए CS रैंक जो भी बंदे खेलते हैं उनके लिए सेंसिटिविटी रखना 95 से लेकर 100 के बीच। अब क्यों रखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है CS रैंक में, और यहाँ पे लैग का अलग सीन है, क्योंकि टू स्कोप में ज्यादा लैग नहीं करता। तो तुम इतना आराम से रख सकते हो, 95 से लेकर 100 के बीच रख सकते हो 1GB, 2GB, 3GB रैम वाले फोन के लिए भी, और 4, 6, 8 जो भी है सबके लिए 95 से लेकर 100 तक रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंट्रोल इसको कैसे करोगे, तो रेड डॉट से कंट्रोल करने। अब देखो रेड डॉट की बात कर लेते हैं। अब यार रेड डॉट का अलग सीन होता है, क्योंकि ये तुमको परफेक्ट कोई नहीं बता सकता, तुम्हारे ड्रैग करने का तरीका इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्रैग कितना स्पीड से करते हो ये इतना स्पीड से इसको सेट करना पड़ेगा। और अगर तुम एग्जैक्ट जानना चाहते हो कितना रखना है, तो 1GB, 2GB और 3GB रैम वाले फोन के लिए 96 से लेके 100 तक रेड डॉट रख के देखो, और वहां पे थोड़ा सा इधर उधर स्लाइड करके देखो, लेकिन 96 से 100 के बीच में ही रखना है। और तुम एक एक बार ट्राई करो किस तरीके से ज्यादा हेड लग रहा है, और इसके बीच में ही रख के अपने से खुद से सेट करना पड़ेगा। और 6GB, 8GB, 4GB रैम वाले फोन के लिए आराम से यहाँ पे 95 से लेके 100 के बीच में एक एक करके देखो किस में ज्यादा हेड लग रहा है, उतना अच्छे से सेट कर लो। अब गाइस चलते जनरल के ऊपर। जनरल में देखो आपको सिंपल सा समझना है जनरल क्या होता है। जनरल तुम्हारा मूवमेंट स्पीड होता है, तो इसको कभी भी 100 से कम नहीं करना है। इससे हेडशॉट से ज्यादा कुछ कनेक्शन नहीं होता, तो जनरल हमेशा 100 रखना है, चाहे कोई भी डिवाइस हो तब ज्यादा मूवमेंट हो पाएगा। लेकिन हाँ अगर शुरू शुरू गेम खेल रहे हो तो थोड़ा सा कम रखना है, जिससे गेम कंट्रोल में रहे। और अगर ज्यादा दिन हो गए अच्छे से खेल पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप 100 कर लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो आई होप यार वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।